गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं काजा के इस होटल से एंड नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टूअर्स ताबो। यहाँ से ताबो तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली हर जगह की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में टेक्स अराउंड 5 to 6 hours एंड 2 nights हमारे यहाँ पे स्टे थी। अभी हम लोग जा रहे हैं ताबो एंड कल रात जो आपने हमारा वीडियो देखा उसमें हम लोग काजा मार्केट घूमे, हम लोगों ने बहुत शॉपिंग की तो बहुत सारे अच्छे चीज़ें मिले। इट वॉज़ गुड प्राइस, ज़्यादा बार्गेनिंग वहाँ पे की नहीं हम लोगों ने, ज़्यादा वो लोग कम भी नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली ये ऑल्टीट्यूड में वो लोग जब सामान बेच रहे तो ज़्यादा बार्गेनिंग करना बनता भी नहीं है, बिकॉज इवन एवरी वन इज़ लाइक डे टू डे वो लोग ऐसे हालत में सर्वाइव कर रहे हैं, सो वही बहुत है। तो हम लोगों ने बहुत शॉपिंग की, कैफ़ेज़ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे थे काजा मार्केट में, अच्छा लग गया, दिल खुश हो गया वो सब देख के। और कैफ़े में हम लोगों ने कल डिनर किया, पिज़्ज़ा वॉज गुड, मोमोज वेर ऑल्सो गुड, अच्छा लगा कल। तो वापस आके सो गए हम लोग। एक्चुअली हर रात कोई इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि मतलब रूम में आके मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली रूम में लाइट्स भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही डिम लाइट थी, तो उसमें तो वीडियोज़ पता नहीं कैसे आएंगे। सो हम लोग ज़्यादा रात को ब्लॉग नहीं कर रहे, तो सुबह ही मैं आपको बोल रही हूँ। तो यहीं तक था, आके वापस आके हम लोग सो गए और तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड एंड द एनवायरनमेंट, और जर्नी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी होनी नहीं चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड दे क्यूरेट द आइटिनरी, एनी हाउ मैं सब आपको बाद में बताऊँगी कैसा हमारा जर्नी रहा। एंड वी हैड डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस जर्नी, वो आप लोग प्लीज़ मत करना। हम लोग अभी जा रहे हैं ताबो, अभी सामान अभी लोडिंग हो रही है गाड़ी में, सो चलते हैं ताबो। दैट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सारे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है, व्यूज़ बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा है कि मदर नेचर हैज़ गिफ्टेड अस विद सो मेनी थिंग्स, लेकिन आइटिनरी अच्छे से बनाई नहीं गई है, वो एट द एंड आई विल डिस्कसिंग। तो हम लोग अभी आए हैं फर्स्ट जगह, ये है धांकर मॉनेस्ट्री। धांकर मॉनेस्ट्री खुद में तो सुंदर है ही, लेकिन इसके पीछे जो माउंटेन का व्यू है, इसका लैंडस्केप थोड़ी अलग है एंड इट्स लुकिंग गॉर्जियस। मेरे पीछे जो आप ये देख पा रहे हो, दिस विलेज, दैट्स द धांकर विलेज एंड द व्यूज आर रियली मेसमराइजिंग फ्रॉम हियर। अभी हम लोग आए हैं डायरेक्ट धांकर से पिन वैली, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, तो दिस इज़ द पिन वैली दैट यू कैन सी ऑल ओवर सराउंडेड। एंड पिन वैली में जो ये विलेज है, द नेम इज़ कुंगरी मॉनेस्ट्री, सॉरी कुंगरी विलेज, और कुंगरी विलेज के अंदर है ये मॉनेस्ट्री, द कुंगरी मॉनेस्ट्री। रियली स्पेक्टेकुलर। तो हम लोग अभी कुंगरी मॉनेस्ट्री के अंदर सबसे पूछा, बट देयर इज़ नो किचन, यहाँ के प्रीस्ट लोग अभी हमें शायद मंदिर के प्रसाद देंगे, सो वी विल बी हैविंग दैट फॉर लंच। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, सो लेट्स हैव लंच। तो अभी हम लोग कुंगरी मॉनेस्ट्री से निकल चुके हैं
कुंगनी मॉनेस्ट्री में हमें लंच मिला. एक्चुअली इट वाज फ्री, मॉनेस्ट्री में हमें लंच मिला. हम लोगों ने सोचा था कि एक्चुअली भूख बहुत लग गई थी, तो हम लोग ऐसे ही मॉनेस्ट्री में घूम रहे थे, तो वहाँ के मॉन्क्स ने हमें बताया कि यू कैन हैव लंच. तो दाल चावल, इट वाज टेस्टी, वी हैड दैट. अभी पेट भरा हुआ है. नाउ अभी हम लोग कुंगनी मॉनेस्ट्री से निकल के थोड़ी दूर लेक के सामने आए हैं, और इधर सब कोई इंजॉय कर रहे हैं, और लेक का व्यू ही अलग है. सब कोई हाय बोलो, हाय. सो एवरीवन इज एंजॉयिंग ओवर हियर, और यहाँ पे सब कोई खेलने की कोशिश कर रहे हैं. एवरीवन इज ट्राइंग टू प्ले, एंड द व्यू इज रियली ऑसम. हम लोग फाइनली पहुंच गए ताबो, और मेरे पीछे है ताबो मॉनेस्ट्री, विच इज़ द लास्ट स्टॉप ऑफ द डे. तो हम लोग अभी ताबो मॉनेस्ट्री जाएंगे. ये मॉनेस्ट्री बहुत ही सुंदर है, अंदर से दिखाते हैं. सो नाउ आई एम इनसाइड द ताबो मोनेस्ट्री. मेरे पीछे जो ये इतना सुंदर व्यू देख पा रहे हो, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द मोनेस्ट्री. जो पहले वाला पार्ट आप लोगों ने देखा, दैट वॉज द न्यूली मेड मोनेस्ट्री. और अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन, एंड इट वॉज बिल्ट इन 996 AD. यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड इट इज़. एंड यहाँ के व्यूज़ बहुत सुंदर है, एंड इट्स लुकिंग रियली गॉर्जियस. मेरे पीछे आप पहाड़ देख पा रहे हो. स्पिति वैली का जो टूर है, इट्स फुल laden with mountains and mountains, but everywhere as we proceed from one place to another, the landscape of the mountains, the shape of the mountains, the color of the mountains, it keeps on changing. Jaise kabhi green mountains dikhti hai, kabhi patthare wale sukhe mountains dikhte hai, and kabhi these are like black mountains. And abhi sunset hone wali hai, this is the golden hour, and it's looking really gorgeous. पूरा दिन घूमने के बाद हम लोग फाइनली आ गए हमारे रिजॉर्ट में, जो कि ताबो में ही है. द रूम वॉज कोजी, वेल फर्निश्ड विद ग्रेट व्यूज. आई हाईली रिकमेंड दिस स्टे फॉर ताबो, बिकॉज हमारे स्पीति जर्नी में मुझे ये बेस्ट लगा. द डाइनिंग स्पेस ऑल्सो हैड अ नाइस सीटिंग अरेंजमेंट. मुझे कश्मीर की याद आ गई. एनीवेज मन तो था कि थोड़ा रेस्ट कर ले, बट इट वॉज ऑलरेडी सनसेट, इसीलिए जल्दी से फ्रेश होके हम लोग निकल गए थोड़ा और घूमने, बिकॉज वी कांट मिस वट वॉज वेटिंग आउटसाइड. आवर रिजॉर्ट वॉज सराउंडेड बाई माउंटेन्स एंड अ रिवर, तो नदी किनारे थोड़ा वॉक करने के लिए हम लोग चले गए. अभी हम लोग डिनर करने के लिए बैठे हैं, एंड डिनर के बाद वी विल गो ऑफ टू स्लीप, क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे हम लोगों को यहाँ से निकलना है. मन तो था कि एक दिन अगर और यहाँ पे रुके, देन इट वुड हैव बीन ग्रेट, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि हमें दूसरा डेस्टिनेशन भी कवर करना है. सो आई एम एंडिंग द ब्लॉग ओवर हियर. होपफुली यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो.